सहयोगी लाल किशोरनाथ सहदेव जी और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू जी के साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। 29 मार्च झारखंड विधानसभागार पुराना विधानसभा सेक्टर 2 में ग्रासरूट कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राज्यव्यापी सम्मेलन होने जा रहा है। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए जिस तरह से संगठन कमजोर हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये चर्चा हो रही है कि संगठन जो है कमजोर हो रही है। केंद्रीय नेताओं के साथ साथ जमीन के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए यह जरूरी है कि राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया जाए। पिछले दिनों चिंतन शिविर में जो मुद्दे उठे थे उसमें एक महत्वपूर्ण विषय यह भी था, नेताओं का कहना कि जो लोग तुरंत दूसरे दलों से आते हैं उन्हें पार्टी के महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। संगठन में इस बात की चर्चा आम है कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच कोई तालमेल नहीं है। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी, दुख और आक्रोश के भाव देखे जा सकते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिस पर अब चुप रहना बेईमानी होगा। पार्टी नेतृत्व को इन सब चीजों से अवगत कराने का समय अब आ गया है। ग्रासरूट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस कोटे के सभी चारों मंत्री, सम्मानित विधायक और केंद्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है और किया जा रहा है। ग्रासरूट कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो विचार उभर कर सामने आएंगे रामनवमी के बाद, उन सभी विचारों के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे और पार्टी नेतृत्व के सामने संगठन की मजबूती को लिए क्या उपाय हो सकते हैं उनसे हम लोग उनको रूबरू कराएंगे। पार्टी के कांग्रेस जनों का यह भी मानना है कि राज्य में लगातार घोर अभाव है संवादहीनता का। जो संवाद चले प्रमंडलों में, उन संवाद में कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुना गया। अनदेखी हो रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विचारों का। तो पार्टी इसलिए, क्योंकि आप देखें, एक फिल्म के नाम पर जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से देश के मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज भी देश कांग्रेस के ऊपर आशा भरी निगाहों से देख रही है। कांग्रेस का मजबूत रहना डेमोक्रेसी के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पार्टी के लिए जरूरी है। तो इन सभी विषयों पर 29 तारीख को हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और पार्टी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे। आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूं लाल किशोरनाथ सहदेव जी को। जो 29 मार्च के कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसके संदर्भ में आलोक जी ने विस्तार पूर्वक आप सभी को बताया। पूरे देश में पार्टी संगठन के मजबूती के लिए जो हमारे हाईकमांड हैं, कांग्रेस अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से सभी से विचार विमर्श कर रहे हैं। झारखंड में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हम मानना है, जिनके अथक और कठिन परिश्रम के बाद हम झारखंड बनने के बाद सबसे
ज़्यादा सीटों से जीत करके विधानसभा में पहुँचे। आज 2.5 वर्ष बीतने के बाद भी बातें बहुत होती है कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं की पूछ होगी। तो मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करना चाहूँगा, हमारे नए प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के आने के बाद भी यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपेक्षाएं काफ़ी है उनसे, और उन्होंने एक सार्थक प्रयास भी किया, लेकिन कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि 4 आदमी का पार्टी ये नहीं है। अगर 4 कार्यकारी अध्यक्ष और 4 प्रवक्ता चाहेंगे कि झारखंड में हम कांग्रेस पार्टी को मुकाम तक पहुंचाएंगे, तो कतई भी संभव नहीं है। 3 दिन के चिंतन शिविर हुए, 5ों प्रमंडलों में संवाद हुआ कार्यकर्ताओं से, लेकिन जो व्यक्ति चिंतन शिविर में भाषण दिए वही व्यक्ति पलामू में दिए, वही व्यक्ति चाईबासा में दिए, वही व्यक्ति रांची में दिए, वही व्यक्ति हजारीबाग में दिए। कार्यकर्ताओं की आपने सुनी कहाँ? ऐसे तमाम लोगों को हम लोग मंच प्रदान करने जा रहे हैं, उनके भावनाओं को सुनने जा रहे हैं, और उनको एकत्रित करके हम लोग कांग्रेस हाईकमान तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे। ये चर्चा बराबर होती है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा, लेकिन सम्मान के नाम पर 2.5 वर्षों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ मिला नहीं, और जो अपेक्षाएं हम लोगों की है, जो 25 वर्षों से 30 वर्षों से लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं पार्टी के लिए, बुरे दिनों में झारखंड में 20 वर्षों तक सत्ता नहीं थी और जिन्होंने संघर्ष किया, वो कहाँ हैं? उनकी भी संगठन में, सरकार में उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। अभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के नाम पर जो 20 सूत्री का गठन हुआ है, जो हमारे वर्तमान के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सरकार को सुझाव दिए गए थे, और वहाँ कई जिलों में बाकी भी है, लेकिन जहाँ हुए हैं वहाँ खुल के विवाद हुआ है। गठन होने के साथ ही हुजूम कार्यकर्ता रांची पहुँच गए कि यहाँ गलत हुआ है, इस प्रखंड का वहाँ बना दिया गया, इस प्रखंड में वहाँ बना दिया गया, ये व्यक्ति पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता में नहीं है। तो इस तरह के कई चीज़ें सामने आई है। जो जिला बचे हुए हैं, कम से कम वहाँ ढंग से अगर 20 सूत्री के सदस्य बनाए जाएंगे तो निश्चित आगे पार्टी संगठन के लिए मजबूती होगी। हमारी चुनौती है 2024 जो आने वाला वर्ष है, और हम लोगों को जो चुनाव में जाना है, तो हम एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही और कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारा कर्तव्य होगा, जो दायित्व होगा, उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। और जो सदस्यता अभियान अभी चल रहा है उसको हम लोग पुरजोर तरीके से, पहले भी कैंप लगाते आए हैं हम लोग सदस्यता को लेकर के, और उसको सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस में जोड़ करके पार्टी संगठन को मजबूत बनाएंगे। डॉक्टर, देखिए, जो 29 तारीख को ग्रासरूट कार्यकर्ता सम्मेलन पुराने विधानसभा के सभागार में हम लोग रखे हैं, उसमें हमारे साथियों ने बताया कि कांग्रेस को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती कैसे होगी, केंद्र की जो नीतियां रही है, जैसे महंगाई, अभी समय भी नहीं गुजरा है कि गैस के दाम बढ़ गए, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ गए, उसको लेकर भी हम लोग बहुत नीचे तक जाएंगे। उस सम्मेलन में ये भी एक पार्ट रहेगा संगठन की मजबूती के लिए, क्योंकि आज जिनके हाथ में पार्टी का कमान है, आपको याद होगा कोरोना कार्यकाल में हमारे साथ बहुत सारे आप सभी पत्रकार भी रहे थे, जो बिल्कुल पार्टी के कार्यालय में और जो कोरोना का भय था उस समय एक व्यक्ति को मदद नहीं किया था, उनके हाथ में पार्टी का कमान है। जो घर पे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे, और जो ग्रासरूट के कार्यकर्ता थे पूरे राज्य में, वो लगातार आम जनता की सुविधा और उनकी सेवा के लिए तत्पर थे।
तो वैसे कांग्रेस जनों को आज अपमानित किया जा रहा है। और मैं तो स्पष्ट बताऊं कि जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जिस जिला से आते हैं, अगर वहाँ कोई पुराने सीनियर कांग्रेसमैन जाते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी से हम सबों को प्यार है, सोनिया गांधी जी के प्रति आस्था है, और उसी विश्वास के साथ जो ग्रासरूट के हमारे कार्यकर्ता या नेता इस राज्य के हैं, विभिन्न जिला में, पंचायतों में, प्रखंडों में, सारे लोग उस दिन शरीक होंगे। और पार्टी की मजबूती कैसे हो, केंद्र की जो नीतियां हैं, जो आज देश में एक ऐसा शासन चल रहा है जो लोग अपनी समस्याओं को भुलाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। अभी कश्मीर फाइल का आपने सुना होगा, कब कहाँ किसकी सत्ता थी, कौन लोग थे, मगर किस प्रकार पूरे देश के लोगों का दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, जैसा आलोक भाई ने बताया कि उसके बाद एक बड़ी डेलीगेशन केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे हम लोग, और इस राज्य की जो भौगोलिक सामाजिक समरसता है, जो यहाँ के लीडर है जिनके फेस पे वोट मिलता है, जिनकी वाणी पे लोग विश्वास करते हैं इस राज्य पे, वैसे नेतृत्व के हाथ में ही नेतृत्व रहना चाहिए, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं। आज पूर्व के जो हमारे प्रभारी थे उनकी कांग्रेस चल रही है, तो कांग्रेस को बचाना हम सभी कांग्रेसजनों का काम है, और हम लोग जब तक रहेंगे पार्टी में तब तक कांग्रेस हित में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात करेंगे। जैसा किशोर भाई बता रहे थे कि संवाद जो चल रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।